ये मुन्नी पटेल हैं, सफाई कर्मी। जैसे आप लोग सुबह उठकर अपने दफ्तर अपने काम पर जाते हैं, वैसे ही मुन्नी पटेल सुबह उठकर लोगों के घरों से निकलने के पहले सफाई में जुट जाती हैं, ताकि हम आप जैसे लोग जब सड़कों पर निकलें तो गंदगी ना दिखे। मुन्नी पटेल भी उन गुमनाम लोगों में से हैं जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा तो हैं, लेकिन जब लोग इन्हें झाड़ू लगाते देखते हैं तो अछूत मानकर किनारा कर लेते हैं। इस साल 26 जनवरी के दिन मुन्नी पटेल को दिल्ली जाकर सम्मान पाने का मौका मिला। लाल किले की खास मेहमान तो बन गई, लेकिन अपने शहर लौटकर वही गुमनाम जिंदगी जीने लगी। लोग हंसते हैं, क्या झाड़ू लगाते थे हम, कम झाड़ू तो प्रधानमंत्री लगाते तो हम क्या है, हम झाड़ू तो अच्छी बात है ना, कम से कम साफ सफाई होती है, अपना भारत स्वच्छ रहता है, हर चीज़ तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। साइकिल भी चलाते तो लोग हंसते हैं जो देखते हैं, तब क्या करें, 40 रुपये रोज लगता है तो हम 6-7-8 हज़ार तनख्वाह पाते, तो जब किराए भाड़ा दे देंगे तो हमको क्या बची, हंसती है दुनिया तो हंसने, हंसी क्या करना। हाँ कर दे, जब मैं नहीं कहीं भी जाता तो सोते कहीं झाड़ू लगाते उसी पर हैं, हम वो जात के नहीं, हम पटेल हैं, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि ये भी ऐसे ही, इसका भी वो मतलब छुआ छू, खाना से दाना से कहीं भी पार्टी वोटी होती तो हम लोग को अलग ही वो दिया जाता है और उनको अलग ही रहता है, मतलब खाने में भी तो हम लोग हंसते अपने में कि क्या खून एक है जैसे ना है, कैसे लोग करते हैं अपने में वो सोचते हैं हम लोग। मुन्नी पटेल है तो हम कहे हाँ मुन्नी पटेल, कहीं ना आपको मोदी जी आवास देंगे और आपको सम्मानित करने के लिए प्रमाण पत्र देंगे, वहाँ बुला था, हम मजाक मानते थे कि हम कहें कि हमारे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हमका मोदी जी बुलाई हूँ, तो फिर अपने भाभी के वो एक नंबर और था 9900, तो वो उन लोग पहले हमारे मोबाइल में था, तो जब हमारी भाभी फ़ोन करती है दीदी तो वहाँ फ़ोन आओ, तो हम खुद डर जाते थे, हे भगवान हम कौन सा कांड कर दी कि हमको वहाँ भोपाल दिल्ली बुलाया गया, डर के मारे जब आदमी कई विश्वास नहीं होता था, तो फिर जब बात करते थे तो कहें आपको मोदी जी बुलाएं सम्मान कर, फिर भी हम हंस के टाले, अभी हमको कन्फर्म हुआ जब हमारी टिकट उकट हो गई, जब कि हम जा रहे हैं गए वहाँ तो हमको बहुत मज़ा आया, जे ये हम सोचते थे कभी तो हम ट्रेन में भी नहीं चढ़े थे, हम पहली बार ट्रेन में चढ़े तो हमको बहुत अच्छा लगा, वहाँ भी गए तो मान सम्मान मिला, बल्कि अपने रीवे वाले कोई नहीं पहुँचाने, स्टेशन नहीं गए, बल्कि NGO के 2-3 लड़के थे वो बेचारे परेशान थे वो गए स्टेशन, लेकिन अपने नगर निगम के कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं गया, वहाँ से भी आए तो कोई नहीं पूछा कि वो, हम लोग दूसरे दिन अपने ड्यूटी में आ गए, कल बुलाए तो हम कहें पता नहीं शायद हम सोचे शायद ये कोट वो टोपी पाए शायद उसी के लिए बुलाए, तो हम कहें हो गया भैया दाई देव, हमको मिला कोट वो रिंग वो टोपी और वो आई डी, और इतने बड़े में वो नहीं जैसे काजू किशमिश रहते हैं तो उसमें तिली के पूरे रेवड़ी जैसे भरे थे, इतना बड़ा गिफ्ट टाइप, अब खूब घुमाए फिराए अच्छा लगा, भोपाल में भी घुमाए दिल्ली में भी ले गए। अब जीवन में क्या, जीवन तो वही चल रहा है, वही सवेरे उठना वही आना वही झाड़ू लगाना, बस यही कसमकस चलती है अपनी जिंदगी में, और उनको तो कुछ करना चाहिए कि हम इतनी मुसीबत में हैं, इतने में क्या होता है, कुछ इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, कुछ तो मिलना चाहिए, पर अब क्या करें ना कुछ करेंगे। बचपन में हमारे पिताजी सिंचाई विभाग ऑफिस में मतलब चाय की दुकान थी, बहुत ही अच्छा चलता था, हमारे पापा पहले ठेकेदारी करते थे, प्लाट बेचवाते थे, किसी ईंटा पत्थर गिर मतलब आर्डर से गिरवाते थे, और हम लोग दुकान में रहे, हम हमारी मम्मी दुकान में रहते थे, फिर इस दुकान के बाद जब पापा मेरे आ जाते थे काम करवा के, फिर हम लोग स्कूल जाते थे, PK स्कूल में पढ़ते थे, फिर पिताजी हमारे
हम लोग की शादी किए या फिर खत्म हो गए। फिर एक भाई एक बहन की शादी हम ही किए हो गया। ऐसे कैसो मैसो मतलब वो करके मदद लेके किसी की ऐसे कर्जा लेके भाई की भी शादी किए, छोटी बहन थी उसकी भी शादी किए हो गया। ऐसे अपना रहा अपना कुछ नहीं कर पाए, इन्हीं के में लगे रहे। आज तक भी संघर्ष करते, लगता है कि इनको कोई मतलब इनको कोई कुछ ना कहे, हम भले मजदूरी कर ले हो गया। के घरों में बर्तन भी मानते थे, झाड़ू पोछा करते थे, कोई कुछ कहता था खिड़कियाँ दरवाजा कपड़े और मतलब हर काम किए, सिर्फ दो काम चोरी और बदमाशी के अलावा वो सब काम किए। 8,500 मिलता है कट के, 1500 शायद कटता है। ये हमको 9वां साल हो गया। शुरुआत में हमको 150 रुपया कम 5,000 मिला था तनख्वाह, और कटता था वो 150 जो कटता रहा हो। दो दो महीने की तनख्वाह कटवा दी जाती थी, कहीं ड्यूटी नहीं मिलती थी, मैं परेशान रहती थी इसके उसके जाके, मतलब इतना परेशान होती थी कि हम बीमार पड़ जाती थी। लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं छोड़े, बराबर चलते बराबर जाते थे। जो कोई बोल देता था कि ये मंत्री के जायका इसके जाना, तो बराबर जाते थे, चाहे मेरा काम हो या ना हो, लेकिन मैं उस जगह पे जाती थी, अपनी ड्यूटी हम करती थी, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। हमारी ऐसे तीन चार साल के जनवरी फरवरी के हमारा ऐसे पैसा काटे, तो बड़े मुश्किल में एक जन TI साहब रहते थे घोंसले साहब, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। फिर एक जन भूपेंद्र सिंह यादव थानेदार थे, वो फिर कमिश्नर सभा जी से पूरी मेरी बात बताएं कि ये लड़की बहुत अच्छी बहुत अच्छा काम करती, इसके मतलब जात पात से वो करके इसको ऐसे किया जाए। फिर हमको ड्यूटी मिली, फिर 3 साल पहले फिर गंगा वाटिका में, उसके बाद ऋतु राज पार्क में, फिर पानी में बैठे पानी पिलाने में कोर्ट में, फिर यहाँ फेंक दिए। सवेरे 4 बजे उठे थे, उसके बाद अपन मतलब बर्तन वर्तन साफ किए, पोछा ओछा लगाए, ब्रश मंजन किए, फिर नहाए वहाए, फिर थोड़ा चाय और पिए, फिर 5:30 बजे यहाँ आए। तो मतलब वहाँ घर से चलते थे यहाँ 6 बज जाते 6:20 कभी कभी 6:30 बज जाते हैं, जैसे ठंडी रहती है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो साइकिल रखेंगे, हाँ साइकिल चलाते आएंगे इंदिरा नगर बड़ा से, और उसके बाद आएंगे तो साइकिल यहाँ रखेंगे और जूता उतारेंगे, भगवान जी का पैर वो करेंगे, और फिर अपनी झाड़ू लेंगे और अंदर से बाहर तक झाड़ू पहले लगाएंगे, फिर मंदिर के अंदर भी पोछा ओछा लगा देते, फिर बाकी पूरी सड़क साफ करती। फिर जब 10 बज जाती फिर घर जाती, फिर 2 बजे हमारी ड्यूटी फिर से यहीं। फिर आओ और आगे सिविल लाइन में कहीं चारा काटना है बड़े बड़े, कहीं कुछ तो हो गया, कर्मचारियों के साथ बड़े बड़े चारा काटेंगे, हसिया लिए रहते हैं। दूसरी टाइम झाड़ू का काम नहीं रहता। Thank you.